नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि जो किंग्स इलेवन पंजाब है उसका नया कप्तान रविचंद्रन अश्विन को घोषित कर दिया है। तो दोस्तों क्या थी इसके पीछे की वजह, आखिर क्यों बनाया गया अश्विन को कप्तान, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जो किंग्स इलेवन पंजाब की घोषणा और जो ये सारा निर्णय था ये खुद वीरेंद्र सहवाग ने लिया है। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने बताया है कि 90% वोट जो थे युवराज सिंह को मिले थे, यानी कि जो हमारी जनता थी, जो पंजाब के फैंस थे, वो चाहते थे कि युवराज सिंह को पंजाब का कप्तान बनाया जाए। लेकिन दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने अपने किंग्स इलेवन पंजाब के फैंस के विरुद्ध गए। दोस्तों उन्होंने जो है रविचंद्रन अश्विन को कप्तान बनाया जिनको जो है ज़्यादा वोट भी नहीं मिले थे। दोस्तों 90% वोट जो थे युवराज सिंह को मिले थे कप्तानी के लिए। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने बताया है कि उनका मानना जो है कि एक जो है गेंदबाज बहुत ही अच्छा कप्तान बन सकता है। तो दोस्तों सहवाग की नज़र में जो है वो एक गेंदबाज को अच्छा कप्तान मानते हैं। तो ऐसे में जो है अश्विन बहुत ही अच्छे गेंदबाज थे जिसके चलते जो है रविचंद्रन अश्विन को कप्तान बनाया गया। दोस्तों सहवाग ने यह भी कहा कि वकार, यूनिस, वसीम अकरम जैसे महान गेंदबाजों ने अपने देश के लिए कप्तानी की है और बहुत ही अच्छी कप्तानी की है। तो दोस्तों उनको देखते हुए जो है वीरेंद्र सहवाग ने रविचंद्रन अश्विन जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है इसीलिए दोस्तों जो है अश्विन को कप्तान बनाया गया है। दोस्तों अभी आप सोचिए 90% वोट जो थे किंग्स इलेवन पंजाब ने युवराज सिंह को दिए थे अपनी कप्तानी के लिए, लेकिन दोस्तों वीरेंद्र सहवाग जो कि जाने जाते हैं एक अलग सोच के लिए, अपनी उसी अलग सोच के चलते जो है रविचंद्रन अश्विन जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है उनको उन्होंने अपना अगला कप्तान घोषित कर दिया है। तो दोस्तों ये थी सारी वजह जो कि अश्विन को कप्तान बनाया गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। अगर दोस्तों आपको IPL की सारी खबरें चाहिए, आपसे दोस्तों एक भी खबर छूटनी नहीं चाहिए, दोस्तों उसके लिए जो है आपको बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बगल में जो बेल आइकन दिया है उसको भी दबा देना है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।